हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है स्टेप अप विद मोहन सर। और आज हम लेके आए हैं दिसंबर महीने के करंट अफेयर। पूरे महीने के अंदर जितनी भी घटना घटी उन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और जो पहला हमारा टॉपिक है वो है महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। तो हमारे लिए जो प्रश्न बनेगा वो सबसे पहला तो ये बनेगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, और उनकी अध्यक्षता के अंदर ये मंत्रिमंडल की जो मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर महाराष्ट्र के जो अपने सरकारी कर्मचारी हैं उनको सातवें आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। अब ये जो शुरू किया गया ये 1 जनवरी 2019 से लागू होगी, परंतु जो इनको वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा वो 1 जनवरी 2016 को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अगला, जो 3 तलाक का बिल है वो लोकसभा के अंदर पास हो गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो 3 तलाक का बिल था वो लोकसभा में कब पास हुआ, तो वो हुआ था 27 दिसंबर 2018 को। और एक चीज़ और आपने नोट कर लेनी है, 215 वोट इसके पक्ष में पड़े थे, वहीं इस बिल के विरोध में 11 वोट पड़े थे। ठीक है, 245 के पक्ष में और विरोध में 11 वोट, और इसे बाद में राज्यसभा से मंजूरी मिल गई थी। और अगस्त 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक इसको असंवैधानिक करार दे दिया था, और केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 में लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित कराया, लेकिन यह बिल राज्यसभा में अटक गया था क्योंकि उच्च सदन में सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। ठीक है, इसके बाद सरकार को 3 तलाक पर अध्यादेश लाना पड़ा, और इसकी अवधि 6 महीने की होती है, और यह बिल पास हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं, जापान देश ने क्या है, एक IWC से अलग होने का फैसला कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो IWC होता क्या है, इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन, IWC इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन, क्योंकि जो भी करंट के अंदर जो टॉपिक्स रहते हैं उनकी करंट अफेयर के अंदर ये पूछा जाता है, या तो उनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा या वो किससे रिलेटेड है ये पूछ लेगा। तो ये पूछ ले भी हाल ही में किस देश ने IWC से अलग होने का फैसला लिया है, तो वो देश है जापान। ठीक है, और अगले साल 2019 से ये जो बहेल मछली है उसको पकड़ने को व्यवसायिक काम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। और इस घटना ये जो अभी घटना हुई है जिसके अंदर इन्होंने अलग होने की घोषणा की है, इसकी संभावना पहले से बन गई, क्योंकि जापान ने जो व्यवसायिक वेलिंग है उसको फिर से शुरू करने के लिए जो IWC को मानना मना कर दिया था, और उसके बाद फिर जापानी सरकार ने ये कदम उठाया और IWC से अलग होने का फैसला कर लिया। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC। इसके बाद अगला, हाल ही के अंदर एक है ना, असम के अंदर एक पुल का उद्घाटन हुआ है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये, रेल और रोड पुल है जो कि देश में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगर आपसे तारीख पूछ ले तो 25 दिसंबर 2018। कहाँ पे है, तो ये असम के डिब्रूगढ़ जिले के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है, और देश का सबसे लंबा रेल और रोड का ब्रिज है, जिसका नाम क्या है, बोगीबिल। ठीक है, अगला, इस बिल की आपसे लंबाई पूछ सकता है, तो ये जो अपना ब्रिज है 4.94 किलोमीटर लंबा है, और ये जो अपना ब्रिज है ये भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है उसके लिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। आपसे ये पूछ ले, अगर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछेगा, परंतु जो टेक्निकल लाइन के बच्चे हैं उनसे पूछ सकता है कि इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया, तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने इसका कंस्ट्रक्शन किया था। और इसका निर्माण क्यों किया गया, यह पुल अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर के समीप भारत का यातायात है उसको आसान करने के लिए इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। इम्पोर्टेंट है, इसका उद्घाटन कब हुआ, 25 दिसंबर 2018 को, कहाँ पे स्थित है, असम के डिब्रूगढ़ जिले के अंदर, और इसका नाम क्या है, बोगीबिल। इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर और देश का सबसे लंबा रेल और रोड ब्रिज है। अगला, भारत ने परमाणु आयुध ले जाने वाली अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो प्रश्न बन सकता है, सबसे पहला तो इसका
जो लॉन्चिंग की गई वो कहाँ से की गई, तो उड़ीसा के तट से की गई। कब की गई? 23 दिसंबर 2018 को। परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए ये सबसे लंबी दूरी की मारक क्षमता की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका नाम है अग्निचार, और इसका जो परीक्षण किया गया वो अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि ITR के लॉन्च पैड से इसका लॉन्चिंग की गई। और अग्निचार देश का जो ये सातवां परीक्षण है, इससे पहले भारतीय सेना ने FSFC सामरिक बल कमान द्वारा इसी स्थान से 2 जनवरी 2018 को सफल परीक्षण किया गया अग्नि 5 का। ठीक है, अब अग्नि 5 के बारे में ये पूछ ले तो इसका परीक्षण कब किया गया? 10 दिसंबर 2018 को किया गया। इसकी जो मार्ग क्षमता है वो 5000 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला। सरकार ने 10 एजेंसियों को फोन और जो कंप्यूटर डेटा है उनके लिए अधिकृत किया है कि जो सरकार ने जो 10 मोबाइल कंपनियां हैं उनसे डेटा शेयर कर सकती है। जो 10 जांच एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति के टेलीफोन और मोबाइल डेटा की जांच के लिए अधिकृत किया है। इससे पहले गृह मंत्रालय से इसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, परंतु अब NI कहीं से भी यह डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो ये जो आदेश जारी किया गया ये 21 दिसंबर 2018 को किया गया, क्योंकि इससे पहले जो 2009 के अंदर UPA की सरकार थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है उनकी सरकार थी, उस टाइम से जो नियम बनाए गए थे उनसे ये नियम अलग करके एक नियम बनाया गया, जिसके अंदर 10 एजेंसियों को मोबाइल और कंप्यूटर का डेटा शेयर जो डेटा है वो शेयर किया जा सकता है, और NIA की मदद से ये काम किया जाएगा। इससे पहले गृह मंत्रालय की अनुमति लेनी पड़ती थी, परंतु अब उसकी जरूरत नहीं है। तो आपके लिए जरूरी है कितनी एजेंसियों को फोन और कंप्यूटर का डेटा शेयर करने की अनुमति दी गई, तो वो जो अपनी कंपनियां हैं वो 10 एजेंसियां हैं जिनको फोन और कंप्यूटर का डेटा यूज करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, चलिए अगला। अभी सरकार ने है ना 10 टॉप 10 पुलिस थानों का एक सूची जारी की गई है, तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो सूची जारी की गई है ये किसने की है? तो ये करिए केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है। इसके अंदर सबसे टॉप में कौन सा जिला रहा है, इसमें जो पहले स्थान के ऊपर जो थाना रहा है, सबसे पहला थाना पहले स्थान पे जो थाना रहा है वो राजस्थान के बीकानेर में मौजूद कालू है। राजस्थान के बीकानेर के अंदर जो कालू का थाना है, जो कालू थाना है वो पहले स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे अंडमान निकोबार के अंदर कैंप बेलवे। तो आप लोगों ने ये चीज नोट कर लेनी है कि जो पहला स्थान वो किसका था, पहले स्थान पे है राजस्थान का बीकानेर जिले में कालू, और उसके बाद जो दूसरा स्थान था वो था कैंप बेलवे दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, और जो भी मैं आपको नोट करवा रहा हूँ ये आप साथ के साथ एक कॉपी पे नोट करते जाइए, ताकि अगली बार आपको इतना डिटेल से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला देखते हैं। अभी सरकार ने एक स्टार्टअप रैंकिंग शुरू की है, जो कि राज्यों की अलग अलग स्टार्टअप रैंकिंग दी गई है, जो 2018 की घोषित की गई है, उसके अंदर गुजरात को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो प्रश्न बनेगा, DIPP औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, ठीक है, इसने कब रैंकिंग जारी की? 20 दिसंबर 2018 को। कहां से? नई दिल्ली के अंदर। और जो पहली रैंकिंग मिली वो किसको मिली? गुजरात को। ठीक है, और ये जो काम शुरू किया गया, ये जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने जो शुरू किया, ये कब से शुरू किया था? जनवरी 2016 से। ठीक है, इस रैंकिंग के अंदर गुजरात शीर्ष पे है, दैट मीन्स ये फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। एक सरोगेसी बिल है जिसके अंदर आप किराए की कोख बोल देते हैं जिसको, तो वो बिल लोकसभा के अंदर पारित किया गया। तो आपसे तारीख पूछ ले तो वो तारीख थी 19 दिसंबर 2018 को।
या आप डायरेक्ट भी इसको पूछा जा सकता है, ऑप्शन के अंदर आएगा दिसंबर 2018, नवंबर 2018, अक्टूबर 2018, सितंबर 2018, तो इसका उत्तर रहेगा दिसंबर 2018। और अगर ज़्यादा डिटेल में पूछ ले तो आपको डेट तो नहीं पूछेगा इतनी, फिर भी आप लोग याद रखें 19 दिसंबर 2018 को सैरोगेसी जो बिल है उसको पास किया गया। और ये जो विधेयक क्यों लेके आना पड़ा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही थी उनको निपटाने के लिए इस बिल को पारित करना पड़ा। ठीक है, चलिए अगला। अगला जो करंट अफेयर बन के आ रहा है वो है, वैज्ञानिकों ने 17 शुद्र ग्रहों पर पानी की मौजूदगी के सबूत दिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न, कहां के वैज्ञानिक थे, जापान के वैज्ञानिक थे। और जो ये खोज की गई इंफ्रारेड उपग्रह जिसका नाम अकारी, ठीक है, ये इसका नाम दिया गया। और वैज्ञानिकों द्वारा शोध के अनुसार यह खोज सौर मंडल में पानी के वितरण प्रणाली को जानने का अवसर प्रदान करने और इसके अतिरिक्त शुद्र ग्रहों की उत्पत्ति और विकास और पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी के इतिहास के बारे में पता चल सकेगा। अब अगर ये आपसे पूछ ले ये कहाँ पे पब्लिश हुआ है, ये जो शोध पत्र है कहाँ पे पब्लिश हुआ है, तो ये हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ जापान में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए, कहाँ के वैज्ञानिक थे, जापान के वैज्ञानिक थे, कितने ग्रहों पे, तो 17 ग्रहों पे। अगला, भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में 80वें स्थान पर भारत का स्थान क्या है, 80वां, और रिपोर्ट किसने जारी की है, विश्व बैंक ने। ठीक है, तो जो बिजली आपूर्ति के लिए, भरोसेमंद बिजली आपूर्ति के लिए इंडिया को कौन सा स्थान दिया गया, 80वां, तो ये आप थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेना। तो ये किनको दिया गया, ये तो सबसे पहला प्रश्न ये बन के आ सकता है कि बिजली के विषय में विश्व बैंक की एक क्षेत्रीय रिपोर्ट आती है इन द डार्क। ठीक है, हाउ मच डू पावर सेक्टर डिजास्टर कास्ट साउथ एशिया के अनुसार भारत ने पिछले कुछ साल में घरों में जो बिजली पहुंचाने और बिजली की कमी को दूर करने के लिए उल्लेखित प्रगति की है, उसके अंदर ये सरकार को रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। इससे अगला, जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था, इसके ऊपर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन कब लगा। ठीक है, अभी जो करंट के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा याद रखना है 19 दिसंबर 2018 को। फिर इससे भी इम्पोर्टेंट क्या बनता है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, तो जिन्होंने राज्यपाल शासन लगाया वो थे सत्यपाल जी मलिक। तो यहाँ से जो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा वो ये बन सकता है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, तो सत्यपाल जी मलिक। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में 6 महीने का राज्यपाल शासन पूरा होने के बाद दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के प्रस्ताव के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगला जो घटनाचक्र निकल के आया दिसंबर 2018 में वो था, असमा जहांगीर को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पर्सनालिटी का नाम क्या है, नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जो पर्सनालिटी उसका नाम क्या है, असमा जहांगीर, कहाँ से रिलेटेड है, पाकिस्तान से, इनका पैसा था, ये पैसे से वकील थी, और जो 2018 का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार था वो इनको दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो करंट अफेयर निकल के आ रहा है दिसंबर में वो ये था, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक चेंजिंग इंडिया के नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया था। तो पहला प्रश्न, इसका विमोचन कहाँ किया गया, तो इसका विमोचन किया गया दिल्ली के अंदर। कब किया गया, 18 दिसंबर 2018 को, या आने वाले टाइम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो वो किया था मनमोहन सिंह जी ने। ठीक है, तो इसका जो शीर्षक था वो था चेंजिंग इंडिया, और इसके अंदर जो प्रधानमंत्री रहते उनके कार्यकाल के दौरान उनके हुए कार्यों को और भारत की प्रगति के बारे में इस पुस्तक के अंदर विस्तार से बताया गया है। इसके बारे में सरकार बात नहीं करती है, आपने सुना होगा, जितनी भी करंट की जो न्यूज़ वगैरह चल रही है
उनके अंदर इसका जिक्र क्यों नहीं है, क्योंकि मौजूदा सरकार से अगेंस्ट है ये, ठीक है। पिछली सरकार की, पिछली सरकार के अंदर जो भारत की प्रगति के जितने भी कार्य उनका जिक्र है, इसलिए मौके की सरकार क्यों जिक्र करेगी भाई। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ने भारत को 108वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न, ये रिपोर्ट किसने दाखिल की, तो ये जो रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दाखिल की, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अंदर जो भारत को स्थान दिया गया वो दिया गया 108वां स्थान दिया गया, ठीक है। तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, और स्थान मिला 108वां। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा सा इसको एक दो चीजें याद रखो। अभी रैंकिंग के अंदर कौन सा स्थान मिला, 108वां, और ये रिपोर्ट्स थी जिसके अंदर किसका जिक्र किया गया, किस एजेंसी का जिक्र किया गया, तो वो था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इससे अगला, सोनम कपूर जो अभिनेत्री है बॉलीवुड से, उनको पेटा का, इंडिया पेटा का जो पॉपुलर अवार्ड है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया, इसके लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा किसको दिया गया, तो इनका नाम है सोनम कपूर, अवार्ड 2018 का था। और पेटा इंडिया का कहना है कि सोनम ने किसी भी चमड़े से बने हुए सामान का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। और जो पशुओं की क्रूरता और अत्याचार के विरोध में हमेशा वो खड़ी रही हैं, तो इन सब को लेकर के उनको पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। भारत और मालदीव के बीच जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 4 समझौते थे उनके ऊपर हस्ताक्षर किए गए। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मालदीव के राष्ट्रपति का क्या नाम है, इब्राहिम मोहम्मद सोहिल, ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोहिल सोली, इब्राहिम मोहम्मद सोली। और हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और भारत इस द्वीपीय देश को $1.4 अरब का ऋण प्रदान करेगा। अगर आपसे राशि पूछ ली जाए $1.4 अरब, देश पूछ लिया जाए तो भारत और मालदीव, और अगर वहां के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया जाए तो इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगला, भारत ने पहली प्राइवेट UAV फैक्ट्री हैदराबाद में स्थापित की है, ठीक है। अब प्रश्न पूछा जाएगा किसकी मदद से ये फैक्ट्री लगाई गई, तो अडानी समूह जो भारत की कंपनी है और इजराइल की कंपनी है, क्या नाम है उसका, एल्बिट सिस्टम फॉर संयुक्त, एल्बिट सिस्टम कहाँ की है, इजराइल की। इन दोनों की मदद से भारत के अंदर पहला निजी मानव रहित विमान UAV, जिसको मानव रहित विमान बोलते हैं, इसको निर्माण करने की फैक्ट्री लगाई गई। वो कहाँ पे लगाई गई, हैदराबाद के अंदर लगाई गई, ठीक है। और ये देश की ऐसी प्रथम यूनिट है जिसके अंदर निजी कंपनियों के द्वारा इस तरह के मानव रहित यान बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो कंबाइंड जो नाम रहेगा इस प्रोजेक्ट का, वो आपने जरूर याद रखना है, तो वो नाम रहेगा AESIL, अडानी एल्बिट एडवांस्ड सिस्टम इंडिया लिमिटेड। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, इस कंपनी का नाम कहाँ पे स्थापित की गई, किस देश ने इसका साथ दिया है, तो इजराइल के साथ मिलकर के ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, हैदराबाद के अंदर लगाया गया, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला, मिस यूनिवर्स 2018 का जो खिताब दिया गया वो फिलीपींस की कैटरियोना ग्रे ने जीता, ठीक है। तो फिलीपींस की थी ये, नाम थे इनका कैटरियोना, 24 साल की थी, जो नागरिकता फिलीपींस, ठीक है। 2018 मिस यूनिवर्स इनको चुना गया, और जो भारत की तरफ से जिन्होंने भाग लिया वो थी नेहल चुडासमा, और ये टॉप 20 को क्वालिफाई नहीं कर सकी, ठीक है, टॉप 20 को क्वालिफाई नहीं कर सकी। और ये कहाँ की रहने वाली थी, ये मुंबई की रहने वाली थी, ठीक है, नेहल चुडासमा। अगला, लोकसभा के अंदर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जो भी विधेयक था वो ध्वनि मत से पारित किया गया। तो इसके अंदर आपको ज्यादा डिटेल से कुछ भी नहीं करना, बस इतना याद रखना एक बिल पास किया गया दिसंबर महीने में जो कि ट्रांसजेंडर से रिलेटेड था। तो चलिए,
2018 दिसंबर के अंदर कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बने, तो जो प्रसन्न रहेगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो कमलनाथ। हाल ही के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किनको चुना गया, तो वो थे कमलनाथ। और जो इनका रैंकिंग था 18वें, और जो इस समय राज्यपाल है वह आनंदीबेन पटेल, उन्होंने इनको शपथ ग्रहण करवाई, पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कौन इनके शपथ ग्रहण समारोह में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप थोड़ा सा इन डेटाज को याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश के कमलनाथ जिन्होंने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और इनको शपथ किसने दिलवाई, वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। अगला, अब उसी समय चुने गए थे हरियाणा, अपने राजस्थान के अशोक गहलोत जी राज्यपाल, और वहाँ के जो डिप्टी सीएम बनाए गए थे वो थे सचिन पायलट, ठीक है। तो जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे अशोक गहलोत जी, उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, और जो कि प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने, उनको बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ दिलाई गई। तो जो सीएम बने वो अशोक गहलोत, उप सीएम बने या उप मुख्यमंत्री बने वो सचिन पायलट, ठीक है। दिसंबर 2018, 17 दिसंबर 2018 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। इसके बाद अगला, विश्व में 3 करोड़ बच्चे मौत के कगार पर हैं, ये रिपोर्ट किसने दी है, यूनिसेफ ने, ठीक है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, जिसको यूनिसेफ कहते हैं आप, और जिसका फुल फॉर्म क्या रहेगी, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, इनके द्वारा एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार कि समय पूर्व पैदा हुए लगभग 3 करोड़ बच्चों की 3 करोड़ बच्चे मौत के कगार पर हैं। इन बच्चों को जीवित रखने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, और इस जो रिपोर्ट का नाम दिया गया, जीवित रहें और बढ़े, हर छोटे और बीमार नवजात शिशु की देखभाल के लिए सुधार नाम से इसको प्रकाशित किया गया, और समय से पूर्व पैदा होने वाले बच्चों की समस्याओं को देखते हुए ज़्यादातर बच्चे प्रसव के जो जिस टाइम इनका जन्म होता है उस दौरान इन बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं की जाती, तो इससे रिलेटेड ये एक रिपोर्ट है, ये आप लोग देख लेना। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शक्तिकांत जी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर बनाया गया है। तो सबसे पहले तो आपसे रैंकिंग पूछी जाएगी, किस रैंकिंग में इन्होंने पदभार ग्रहण किया, तो इनकी जो रैंकिंग है वो 25वें गवर्नर के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 वर्ष का रहेगा। इससे पहले उर्जित पटेल जी थे जिन्होंने अपने निजी कारणों की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था, और वो भारत के 24वें गवर्नर थे, ठीक है। और अभी जो शक्तिकांत दास जी आए हैं वो 25वें गवर्नर हैं। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया, कहां से किया गया, यह किया गया था ये जो परीक्षण किया गया था ये उड़ीसा के तट से किया गया था, और कब, 10 दिसंबर 2018 को, ठीक है। तो बैलिस्टिक अग्नि 5 का परीक्षण किया गया उड़ीसा के समुद्री तट से, और अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है वो चीन, यूरोप और पाकिस्तान, इसके अब रेंज के अंदर आ गए हैं, ठीक है। बस इतना अपन याद रखना है, हाल ही के अंदर किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, अग्नि 5 मिसाइल का किया गया। अगला है, लंदन कोर्ट ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण की मंजूरी दी। जो लंदन की कोर्ट है, बस आपने नाम याद रखना है, वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट, कि लंदन की कौन सी कोर्ट ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है, तो उस कोर्ट का नाम है वेस्टमिंस्टर। बाकी आपको अगर लगे इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट तो आप लोग थोड़ा देख लेना। उससे वो जो उर्जित पटेल जी जिन्होंने 24वें गवर्नर थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, कब दिया था, वो 10 दिसंबर 2018 को दिया था। उसके बाद जो भी 25वें अपने गवर्नर आए थे उनके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच थोड़ा सा तनातनी चली थी कुछ दिन के लिए विवाद रहा था, जिसके चलते उर्जित पटेल जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एक WHO के द्वारा एक रिपोर्ट आई है जो कि सड़क सुरक्षा को लेकर के है। हाल ही के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क सुरक्षा को लेकर के 2018 के अंदर रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर सड़क हादसों के बारे में, जो लगातार
मौतों में वृद्धि हो रही है उसको लेकर के एक रिपोर्ट आई है। तो आपसे पूछा जा सकता है सड़क सुरक्षा को लेकर के हाल ही के अंदर किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो वो है अपना विश्व स्वास्थ्य संगठन। बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है भारत। ये भारत के लिए वैसे कोई अच्छी बात नहीं है भाई, भारत कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ने वाला दुनिया में चौथे पायदान पर आ गया है। हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2018 के अवसर पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में जो वृद्धि होने के कारण है उनको कम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य कारण तेल और गैस के रूप उद्योग में उपयोग में वृद्धि हुई है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनी है और ये भारत की इसके अंदर रैंकिंग चौथी रैंकिंग आ गई है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट जारी की वो किसने की, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में की गई 2018 के अंदर, भारत की रैंकिंग चौथी। इसके बाद अंतिम प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल मणिपुर के अंदर बन रहा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे बना रही है। अब ये पूछा जा सकता है रेलवे के जो हाल ही के अंदर एग्जाम आने वाले हैं, जो अभी एग्जाम होंगे उनके अंदर रेलवे से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल मणिपुर के अंदर बन रहा है। ठीक है, मणिपुर के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है। इस पुल को निर्माण के कार्य को बढ़ाने की घोषणा की गई है। यह पुल मणिपुर की आयरिस नदी के ऊपर बनाया गया। तो प्रश्न बनेगा किस नदी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, तो मणिपुर की आयरिस नदी। और यह जो पुल 141 मीटर ऊंचा है और यूरोप के मेटोनेग्रो में बने 139 मीटर का जो पुल है उससे भी ऊंचा रहेगा। और अब तक इस पुल के लिए पिलर तैयार किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी दिसंबर महीने की करंट अफेयर। तो जितना भी दिसंबर महीने में जितने भी घटना चक्र रहे उन सब का हमने जिक्र कर लिया, और ये हमें इसलिए लेके आना पड़ा पूरे महीने की करंट अफेयर दिसंबर की, क्योंकि अब से हम लगातार आपको डेली की डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया करेंगे। डेली रहेगी, उसके बाद आपका सेकंड रहेगा साप्ताहिक, और उसके बाद फिर रहेगी मासिक। क्योंकि अभी जो करंट अफेयर करेंगे इससे जो पिछली जिन घटनाओं का जिक्र आएगा, तो क्यों ना हम कहीं उन घटनाओं को पहले आप पढ़ लें, ताकि अपने को डेली जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।